कहते हैं मैं और मेरी वाली सेम सेम शिफ्ट में एग्जाम दिए, उसके 10 नंबर बढ़ गए, मेरे 20 नंबर घट गए, उसका सिलेक्शन हो गया, अब उसका किसी और से शादी हो रही है, मैं क्या करूं। तो दो ही लोगों के पास सवाल नहीं होता है, एक तो जो सर्वज्ञानी है जिसको सब कुछ पता है, या कुछ नहीं भी पता है तो उसको लगता है भैया मैं ही सर्वज्ञानी हूं, मुझसे ज्ञानी कोई है ही नहीं तो मैं पूछूं किससे। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं गोबर, तो पहले वाले की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, खैर दूसरा वाला आप बनो नहीं। आपका दिमाग आपको एक्सक्यूज भी नहीं देगा कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही गया था, बस ये नॉर्मलाइजेशन ने लंका लगा दी तुम्हारी। तो हम लास्ट में ये भी समझेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन का कोई ड्रॉबैक भी है क्या, किसको नॉर्मलाइजेशन से नुकसान हो सकता है। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक टिप भी दूंगा। अब सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो सारे एग्जाम्स का एक जैसे ही होता है, क्या सारे एग्जाम्स वालों के पास एक ही फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, या अलग अलग फॉर्मूला है। जब सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पेपर आसान है, सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आप कहोगे सारे टैलेंटेड एक ही बैच में आ गए होंगे तब, तो वही मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा बहुत चीजें हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो यहां पे डाल दीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि किसी एक ही शिफ्ट में कब किसी का मार्क्स पॉजिटिव हो जाता है और सेम शिफ्ट में अपीयर हुए किसी बच्चे का मार्क्स निगेटिव हो जाता है। डियर एस्पिरेंट बनू एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेहद जरूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप अंधेरपुर नगरी में नहीं रहते हो तो आपने नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का नाम सुना होगा। आपके एग्जाम के लिए ये जरूरी क्यों है भाई, इससे थोड़ो नहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जरूरी है। हाँ बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, पर नॉर्मलाइजेशन ऐसी टेक्निक है जो बिना एग्जाम में आए आपका 10-20 नंबर फालतू बढ़ा देगी, किसी का 10-20 नंबर घटा देगी। बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली ऐसा फील होता है कि उनके साथ साजिश किया गया है, नॉर्मलाइजेशन करके उनको इंडिविजुअली बाहर निकाल दिया गया, मतलब उनको ऐसा लगता है उनका ही मार्क्स घटा है। कई सारे लोगों का एक्सक्यूज होता है कि हम लोग सेम शिफ्ट में थे, मेरा मार्क्स घट गया, मेरे दोस्त का मार्क्स बढ़ गया। कई सारे लोगों का लगता है कि मेरा 2 नंबर बढ़ा, मेरे साथ वाले का 20 नंबर बढ़ गया, ये तो मेरे खिलाफ साजिश है, मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। और कई सारे लोग ने भैया एकदम मतलब थॉट जो इमेजिनेशन होता है उसके पीक पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं मैं और मेरी वाली सेम शिफ्ट में एग्जाम दिए, उसके 10 नंबर बढ़ गए, मेरे 20 नंबर घट गए, उसका सिलेक्शन हो गया, अब उसका किसी और से शादी हो रही है, मैं क्या करूं। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, मजाक थोड़े है। अब आप यूपीएससी क्लियर करिए और गाइए ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। खैर आपके मन में भी कुछ ना कुछ सवाल होंगे, हो सकता है मैंने यहां पे एड्रेस कर लिया हो सकता है नहीं किया हो एड्रेस। और अगर सवाल नहीं है तो भैया फिर दिमाग की कमी है। देखो दो ही लोगों के पास सवाल नहीं होता है, एक तो जो सर्वज्ञानी है जिसको सब कुछ पता है, या कुछ नहीं भी पता है तो उसको लगता है भैया मैं ही सर्वज्ञानी हूं, मुझसे ज्ञानी कोई है ही नहीं तो मैं पूछूं किससे। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं गोबर, तो पहले वाले की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, खैर दूसरा वाला आप बनो नहीं। तो आपके मन में भी कुछ सवाल तो जरूर होंगे, हम सारी बातों को 1x1 करके डिस्कस करेंगे। बिलीव मी आज के बाद नॉर्मलाइजेशन को लेके आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका दिमाग आपको एक्सक्यूज भी नहीं देगा कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही गया था, बस ये नॉर्मलाइजेशन ने लंका लगा दी तुम्हारी। आज हम नॉर्मलाइजेशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए मेरे चैनल के लोग जिसमें अपीयर हुए थे, मेरे चैनल में बड़े ही कॉन्सेंट्रेटेड टाइप के लोग हैं तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम में ज्यादा अपीयर होते हैं। जैसे एक स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम है गुजरात का GSECL, अभी इसका रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे अपीयर हुए, नॉर्मलाइजेशन हुआ, खूब मैसेज आया कि मेरा नंबर घट गया, मैं तो इतना मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने इतना जोड़ के रखा था मेरा इतना ही आ रहे हैं, कैसे हो गया, मेरे साथ वाले का इतना था उसका इतना हो गया। फिर ONGC भी जो नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, मतलब जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसका भी रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया। इसके बाद कुछ टाइम पहले ATC का आया था, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, उसका भी। इस तरीके से दुनिया भर के एग्जाम है। SSC CGL के बारे में सभी लोगों को पता है कि 2020 अगर मैं सही हूं तो 2020 या 21 में खूब बवाल हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेके, जो टॉपर था उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लास्ट में ये भी समझेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन का कोई ड्रॉबैक भी है क्या,
किसको नॉर्मलाइजेशन से नुकसान हो सकता है। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक टिप भी दूंगा, एक ऐसी टिप जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड है कि कैसे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से आपका नॉर्मलाइजेशन लिंक हो जाता है इनडायरेक्टली। सबके लिए सही नहीं है, वो मेरा स्टैटिक्स है, आपका मन होगा भरोसा करना, नहीं होगा मत करना। खैर, जो प्योर स्टैटिक्स है जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है उस पर तो आपको भरोसा हो ना हो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहां पे एक बात और डिस्कस करते चलते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही क्या है, इतना बवाल करने की जरूरत क्या है। ठीक है, शिफ्ट वाइज पेपर हो रहा है, जिसको जो मार्क्स मिले मिलने दो, तो इसकी जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की जरूरत। एक बेसिक्स एग्जांपल से आप समझिए कि मान लीजिए कोई एग्जाम है तीन या चार शिफ्ट में हो रहा है, जनरली जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो एग्जामिनर है, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको इक्विवेलेंसी मेंटेन करनी होती है, ये देखना होता है कि यार ऐसा ना कोई पेपर बहुत ज्यादा टफ हो जाए, कोई पेपर बहुत ज्यादा ईजी हो जाए। तो जनरली वो क्या करते हैं, मान लीजिए चार शिफ्ट में एग्जाम है, कोई फंडामेंटल उठाया, उस फंडामेंटल से चार क्वेश्चन ले लिया और चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन डाल दिया। ये मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा ही होता है, ये जरूरी नहीं है, पर जनरली ये टेंडेंसी होती है कि मान लीजिए चार शिफ्ट है तो कोई भी फंडामेंटल से एग्जाम उठा रहा हूं क्वेश्चन, तो चार क्वेश्चन ले लिए, दोनों में एक एक डाल दिया, डाटा चेंज कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं है पर फंडामेंटल तो रिपीट है। जो बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में बैठा है उसको आइडिया भी नहीं है कि किस फंडामेंटल से क्वेश्चन आएगा, जो फोर्थ शिफ्ट में बैठ रहा है वो पहले शिफ्ट का पेपर देख लिया है, इतना डिजिटलाइजेशन है, कुछ भी टाइम कम ज्यादा कर लो, आप कुछ भी कर लो पर देख तो लेगा ही वो कुछ क्वेश्चन, फिर उसको पता है कि चलो एटलीस्ट उसके पास ये आइडिया है। कई जगह तो शिफ्ट का डिफरेंस भी होता है, डेट का डिफरेंस होता है पूरा, तो वो देख लेते हैं कि भाई चलो इस फंडामेंटल से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक आदमी जिसको एकदम से आइडिया नहीं है और एक आदमी जिसको एटलीस्ट फंडामेंटल का आइडिया है, तो दोनों के मार्क्स ऑब्टेन करने में डिफरेंस तो होगा ही। अब आप कहोगे कि भाई एक ही टॉपिक से चार क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से ले लें। तो जब अलग अलग टॉपिक ही ले लिया, जब फंडामेंटल ही सब कुछ अलग हो गया, तो फिर इक्विवेलेंसी कैसे रहेगी पेपर में। तो उनको इक्विवेलेंसी इक्विवेलेंसी मेंटेन करना है और किसी को इक्विवेलेंसी का मजा लेना है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। बिना नॉर्मलाइजेशन के आप सबको एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, तो नॉर्मलाइजेशन होना बहुत जरूरी चीज है, एक जरूरी प्रक्रिया है, इसमें किसी को एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स है, इसके पास कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है, इसमें किसी इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता है, किसी इंडिविजुअल का फायदा नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं पे ये थोड़ा फेल कर जाता है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर वो एकदम एक्सट्रीम केस होता है, एकदम भगवान ने ही आपके पूरे शिफ्ट का पैर पकड़ रखा है, तब अलग बात है, तब आपका नुकसान हो जाएगा। तो चलिए, ढेर सारा बैकग्राउंड हो गया, हम अब डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, और अगर नॉर्मलाइजेशन से लेके नॉर्मलाइजेशन के रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, तो ये मेरा चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं और पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपकी पर्सनल क्वेरीज को भी मैं चाहूंगा कि वो रिजॉल्व कर पाऊं। अब सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो सारे एग्जाम्स का एक जैसे ही होता है, क्या सारे एग्जाम्स वालों के पास एक ही फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, या अलग अलग फॉर्मूला है। जवाब यही है कि अलग अलग है, बहुत सारे एग्जाम्स का सेम है पर कुछ एग्जाम्स का अलग भी है, अलग भले है पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आप कुछ ऐसे समझिए कि डेस्टिनेशन एक ही है, पहुंचना एक जगह ही है, थोड़ा बहुत रास्ता चेंज है, ठीक है। उनको लगता है ये रास्ता ज्यादा अप्रोप्रिएट है तो उधर से जा रहे हैं, किसी को लगता है ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो उधर से जा रहा है, हम दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। फिर ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला ज्यादा सही है और क्यों, या फिर सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि कैसा एग्जाम्स है, वहां के नॉर्मलाइजेशन में कोई चेंजेज होने चाहिए क्या। जनरली जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एग्जाम में, आप यही देखोगे जो यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये RRB का, मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे जो आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नजर आ रहा है सेम है जैसा RRB का है, ये है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मूला, जो अपने वैकेंसी में वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये वाला करते हैं। इसके बाद बहुत पॉपुलर एग्जाम है SSC CGL, आपने भी शायद दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो हो सकता है तैयारी कर रहे हो, इसका फॉर्मूला पहले वाले से थोड़ा अलग है। देखो, इस पे मत जाओ कि यहां पे MJIGF लिखा है, उस पे मत जाओ, और लिखा है पर मतलब बस लैंग्वेज बदली है, फॉर्मूला वही वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस है डाटा लेने में,
तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये डिफरेंस है क्या और ऐसा क्यों किया गया एसएससी में, बाकी जगह जो फॉर्मूला चल रहा है वही एसएससी ने क्यों नहीं लिया, मतलब उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा। ऐसा नहीं कि जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया वो मुझे फोन करके बताया कि हमने इसलिए लिया, पर मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग उसको जस्टिफाई करें कि क्यों लिया होगा, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। और ये फॉर्मूला है आपका, ये भी सेम है पिछले जो दो फॉर्मूला हमने देखे हैं, ये गुजरात स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो एग्जाम करवाती है, जेई का करवाते हैं वो बेसिकली, बट बी बेस्ड होता है, हर जगह बी से इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है पर यहाँ पे जेई रखते हैं, डिग्री नहीं मतलब पोस्ट मिलती है और यहाँ पे जेई रखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, आप देख रहे हो कि तीन चार एग्जाम लिया, उसके अलावा भी आप एग्जाम्स लोगे तो मोस्ट प्रॉबली आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल बहुत पॉपुलर है, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा और वो क्यों लिया गया है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो इन शॉर्ट एक चीज तो आपको पता चल गई कि भाई सारे एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, पर मैं अभी के लिए कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो मान लीजिए, बाद में आपको दिखा दूंगा कि डिफरेंस क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है वो यहां पे आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं कि डेटा रख दिया, नहीं मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं और किस तरीके से चल रहा है नॉर्मलाइजेशन और किसका फायदा होता है किसका नुकसान होता है क्यों होता है, एक ही शिफ्ट में किसी का मार्क्स बढ़ जाता है किसी का घट जाता है, क्या इशू है इसका। चलिए सपोज कर लीजिए कि एक एग्जाम है जो 100 मार्क्स का है, 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, ठीक है, आप चाहो तो जो लेना चाहो ले सकते हो, कोई बात नहीं। हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे पूरे एग्जाम में 36,000 थे, ये भी डाटा मैंने अपने मर्जी से लिया है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम हुआ था वो तीन शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, ये कितना कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 3 शिफ्ट में हुआ है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का जो कैंडिडेट हैं इनका हम मान लेते हैं 12,000 का है। अब आप कहोगे कम ज्यादा नहीं होता है क्या, सारे एग्जाम में क्या ऐसे ही जो टोटल कैंडिडेट होते हैं इक्वली डिवाइड होते हैं, इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, जनरली कोशिश किया जाता है कि इक्वली, बट ऐसा मतलब मान लीजिए कि ऑड नंबर के लोग फॉर्म भरे हैं और इवन नंबर शिफ्ट है, या फिर इवन नंबर में लोगों ने फॉर्म भरा है ऑड नंबर की शिफ्ट है, तो कम ज्यादा तो होंगे ही। और एक बेसिक सा चीज है यार कि अपीयर तो मान लीजिए इक्वली डिवाइड भी हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे अपीयर हो जाते हैं, कुछ अब्सेंट भी होते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं पर शिफ्ट में वो कभी इक्वल तो हो नहीं सकते, ये तो कॉमन सा सेंस है, इसमें कुछ वो लगाने की जरूरत नहीं है, पर हमने अज्यूम कर लिया है कि भाई 12,000 सब में बैठे हैं। चलिए ठीक बात, 100 नंबर का है, किसी भी शिफ्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है भैया, 12,00,000। ये सब मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स समझा रहा हूं कि चीजें आपको ढंग से समझ आए, ठीक है। 12,000 लोग बैठे हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना है भाई, 100 मार्क्स, तो मैक्सिमम जो समेशन हो सकता है सभी बच्चों के मार्क्स ऑब्टेन करने का वो 12,00,000 हो सकता है। हमने अज्यूम कर लिया कि हर बच्चे ने अपने एग्जाम में 100 नंबर लेके आए हैं, 12,000 बच्चे हैं, मैक्सिमम मार्क्स मतलब सारे बच्चों का जो समेशन हो सकता है मार्क्स का, मैक्सिमम जब उनके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे तो कितना हो सकता है, 12,00,000। 12,00,000 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी शिफ्ट आसान थी। इसको बहुत आसान से तरीके से फाइंड आउट किया जाता है कि आप हर शिफ्ट का इंडिविजुअल एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जितना टोटल मार्क्स मिला है सारे बच्चों का उसका सम कर लीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिवाइड कर दीजिए। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका जो सम है बच्चों के मार्क्स ऑब्टेन करने का हमने अपने मर्जी से लिया है, ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये 7,50,000 के आसपास है, इससे कम ही लेना है हमको, कितना भी ले लो अपने मर्जी से ले लो। और ये भी हमने अज्यूम कर लिया है कि इसमें से 2,000 बच्चे अब्सेंट हो गए हैं तो टोटल जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो हुए हैं 10,000, तो ये जो 4 जीरो है 4 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज कितना आ गया भाई हमारे पास, 75 मार्क्स, कितने आ गए, 75 मार्क्स। इसी तरीके से हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी सेकेंड शिफ्ट है
मान लेते हैं कि 6 लाख कुछ 6,60,000 के आसपास इनका आ जाता है, और इसमें भी हमने ज़ूम कर लिया अपने मर्जी से कि 1,000 जो बच्चे थे वो अब्सेंट हो गए, टोटल 11,000 बच्चों ने एग्जाम में अपियर किया हुआ है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 × 66 तो यहाँ पे आ जाएगा 60, मतलब जो सेकेंड शिफ्ट का एवरेज है वो हमारे हिसाब से आ गया 60। थर्ड शिफ्ट का मान लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, हमने मान लिया थर्ड शिफ्ट का कि जो टोटल मार्क्स का समेशन है, सभी बच्चे जो अपियर हुए हैं उनके मार्क्स का समेशन है 9,60,000, ठीक है, ये भी हमने अपने मर्जी से अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसमें कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं हुआ, आप चाहो तो अब्सेंट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमने मान लिया कि टोटल 12 के 12,000 बच्चे जितनों को मैंने बुलाया था सारे आ गए हैं, तो 12 × 96 तो यहां का जो आपका एवरेज आ गया वो 80 आ गया, ठीक है। अब आपको एवरेज नजर आ रहा है 75, 60, 80, ये एवरेज देख के ये गेस किया जाता है कि जो पेपर सेकेंड है या जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो टफ है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो सबसे आसान है। आप कहोगे कैसे मान लिए भाई आसान है, क्योंकि जो एवरेज स्कोर आ रहा है सारे बच्चों का, हम किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है इसलिए ज्यादा ले आया, टफ पेपर में भी ऐसा नहीं है, एवरेज स्कोर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कि सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, जब सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पेपर आसान है, सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आप कहोगे सारे टैलेंटेड एक ही बैच में आ गए होंगे तब, तो वही मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा बहुत चीजें हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हालांकि इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि सारे टैलेंटेड बच्चे एक शिफ्ट में चले गए और टफ पेपर था तो भी सभी ने ज्यादा मार्क्स लेके आए इसलिए उसका एवरेज ज्यादा आ गया, तो फिर भैया बाकियों का नुकसान हो गया, इस बात की पॉसिबिलिटी तो कमी है, फिर भी पॉसिबिलिटी है, किस वजह से है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक बात। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा 80 है ना, या फिर जो हाईएस्ट एवरेज है, हाईएस्ट एवरेज को बेस बैच ले लेते हैं, इनको हम क्या मान लेते हैं कि ये है हमारा बेस ऑफ कैलकुलेशन, अब यहां से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, अब हमको इनकी कोई जरूरत है नहीं, ये चीजें आप समझ गए होंगे, अब इनका हम यूज करके जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि किसी भी बच्चे का अगर आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है SN, SN मतलब किसी इंडिविजुअल बच्चे का मार्क्स, सब जगह यही नामनक्लेचर यूज किया है इसलिए मैं भी कर ले रहा हूं, कोई इशू वाली बात है नहीं, क्या होता है दैट इज S2 डिवाइडेड बाई S1 मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई बड़ा एक्स हम लिखते हैं एक्स माइनस एक्स एवरेज, ठीक है एक्स एवरेज प्लस, अब ये आ गया बीच में इसको भी हटा देते हैं, बीच में जो आता है उसको हटाते चलिए, क्या होता है यहां पे वाई ले लेते हैं वाई एवरेज, ठीक है यही फॉर्मूला सब जगह लिखा हुआ है, मैक्सिमम जगह यही फॉर्मूला लेते हैं इसलिए हम लोगों ने भी यही फॉर्मूला ले लिया। यहां पे S2 क्या है, S2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेस बैच, बेस बैच कौन सा है भाई, मतलब जिसका एवरेज सबसे ज्यादा आया था, कितना आया था 80, यहां पे 60 वाला भी है, आपके मन में एक सवाल और आ सकता है ना कि हमने बेस बैच 80 वाले को ही क्यों लिया, दूसरे किसी को क्यों नहीं लिया, हाँ आप दूसरे को भी ले सकते हो, बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर हम अपने कैलकुलेशन को यूनिफाइड करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए 80 को ले लिया है। 80 को लेने से एक चीज तो हमको पता है कि भाई 80 सबसे ज्यादा है और बाकी सब कम है, तो हमको ऐड करना है उसमें, ठीक है हमको क्या करना है मार्क्स ऐड करना है, बाकियों को अपलिफ्ट करना है, एक डायरेक्शन हमको पता है अपलिफ्ट करना है। अब मान लीजिए हम 60 ले लेते हैं तो हमको इस बैच को अपलिफ्ट करना है, इस बैच को डाउन करना है, तो हमको फॉर्मूला में बवाल चेंज करना पड़ेगा, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, आप कहोगे वैसे भी तो प्लस माइनस आता है, वो प्लस माइनस अलग है, यहां पे जब आप किसी एक के रेफरेंस में किसी को उठा रहे हो किसी को दबा रहे हो तो आपको दो डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। अगर आप 80 ले रहे हो तो हमारे पास बस एक ही टारगेट है कि बाकियों को भी हमको इसके एवरेज में लाना है, बराबर में लाना है, बराबर में लाने के लिए आपको क्या करना है बाकी दो शिफ्ट के जो मार्क्स है उनको उठाना है, बस इतना ही करना है, इस वजह से हमने 80 को लिया है और ज्यादा वाले को लिया है, ठीक बात समझ में आ गई, इतने इसमें कोई डाउट नहीं है।
मतलब अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए बहुत सिंपल भाषा में कहें तो, ठीक है। सेकेंड जो है आपका, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिफ्ट, जिस शिफ्ट का हम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस शिफ्ट के किसी इंडिविजुअल बच्चे का मार्क्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि SN क्या है, किसी इंडिविजुअल बच्चे का मार्क्स है, किसी शिफ्ट के किसी इंडिविजुअल बच्चे का वो मार्क्स है। तो जिस शिफ्ट के बच्चे का मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे नीचे उसी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन रखेंगे। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि भैया ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बवाल क्या है और इसका यहां पे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी बताता हूं। पहले फॉर्मूला समझ लो आप। एक्स क्या है यहां पे, रॉ मार्क्स है, किसी भी बच्चे का रॉ मार्क्स है, उसको मार्क्स कितना मिला है एक्चुअली बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के, जो माइनस मार्किंग है नहीं है जो भी है, अगर है तो घटा बढ़ा के जो भी उसका फाइनल मार्क्स आया है वो है। एक्स एवरेज क्या है, अगेन जिस बच्चे मतलब जिस शिफ्ट के बच्चे का हम इंडिविजुअल मार्क्स या नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उस बच्चे के शिफ्ट का एवरेज मार्क्स, जैसे हमने यहां पे कैलकुलेट किया है तीन शिफ्ट में, एक 75, एक 60, एक 80, ठीक है। तो उस बच्चे के शिफ्ट का एवरेज मार्क्स, और ये क्या है, ये जो आपकी बेस बैच है उसका एवरेज मार्क्स। अब यहां पे आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि बेस बैच वालों बच्चों का क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं आता है, आता है, उनका भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आता है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हर बच्चे का आता है, चाहे वो किसी भी बैच में अपीयर हुआ हो। हां, यहां पे बेस बैच हम एक लेते हैं, क्यों लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको सारे पैरामीटर पता चल गए, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये पैरामीटर हैं क्या और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों भाई। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि जो हमारी एवरेज वैल्यू है या फिर हमारी जो मीन वैल्यू है, उस वैल्यू से हम कितना डेविएट कर रहे हैं। उस वैल्यू से हम अगर किसी भी शिफ्ट का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, अगर उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो एवरेज है, उस एवरेज से बच्चे जो मार्क्स है वो काफी डेविएट हो रहा है। आप कहोगे कुछ समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हो आप। तो बस इतना समझ लो कि मान लीजिए ये लाइन है 100 मार्क्स की, तो अगर हम ये कहें कि बहुत सारे बच्चे हैं एकदम पास 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 जो 80 से 90 के बीच में हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे आप कह सकते हो 30 से 40 के बीच में हैं, और इधर बहुत कम बच्चे हैं, ये एक बैच हो गया। दूसरा बैच ऐसा है जो कि मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए कि 20 बच्चे यहाँ पे हैं 30 से 40 के बीच में, 15-20 बच्चे यहाँ पे हैं, 15-20 बच्चे यहाँ पे हैं, मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आएगा। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन उस शिफ्ट का ज्यादा आएगा जिस शिफ्ट में बहुत रैंडम प्लेसिंग होगी मार्क्स की। मतलब आप ये भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के ये बता सकते हो कि क्या किसी बैच में, शिफ्ट में तो नहीं बता सकते क्योंकि एक शिफ्ट में बहुत सारे जगह पे एग्जाम हो रहे थे, हाँ किसी बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो तुम ये बता सकते हो भाई कि क्या वहां पे चीटिंग हुई है। मान लो कि एक बैच में किसी एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हो और 50 बच्चे एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं और 50 बच्चे एकदम ही डीप डाउन है, एकदम नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं जो 50 बच्चे हैं जो सबसे एक्सेलेंट परफॉर्म किए, कहीं उन्होंने चीटिंग तो नहीं किया है, उनको स्पेशल नोट्स तो नहीं दिए गए थे, मतलब मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो इन शॉर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि आपका जो एवरेज है उससे आप कितना डेविएट कर रहे हो, ठीक है। डेविएशन कम है तो मतलब बच्चों ने यूनिफॉर्मली परफॉर्म किया है, डेविएशन ज्यादा है तो मतलब यूनिफॉर्मली परफॉर्म नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो एवरेज हमारा जो बेस बैच है, बेस बैच के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। तो यहां पे बेसिकली हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बना रहे हैं, जो हमारा बेस बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमने हमारा जो जिस बैच का नॉर्मलाइज मार्क्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस बैच के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करके दोनों का रेशियो बन गया एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इससे क्या होगा कि जो हम नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसके पीछे का अजम्पशन क्या है। मैथ है
कुछ एजम्पशंस तो चलते ही हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि एकदम सारा कुछ एक्यूरेट हो रहा है। अजम्पशन ये है कि अगर पेपर टफ आता है तो जनरली लोग क्या होते हैं, एक रेंज में फॉल करते हैं, सबके कम मार्क्स आ रहे हैं, मैक्सिमम सारे लोग उसी रेंज में फॉल करते हैं, तो जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कम होता है। कम आएगा तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, और जहां पे पेपर आसान आता है, जो लोग बच्चे पढ़े हैं वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे, मार रहे हैं 100 में 100 मार रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने 95 से लेके 100 के बीच में स्कोर लेके आए, और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो क्या ही फर्क पड़ता है, पेपर टफ आए तो भी, पेपर आसान आए तो भी, उनको तो नीचे ही आना है। तो एक चीज देखा जाता है कि अगर आसान पेपर है तो थोड़े मार्क्स के रैंडमनेस रहते हैं, थोड़ा टफ पेपर है तो मैक्सिमम लोग डाउनफॉल करेंगे, मैक्सिमम लोग कम में आ जाएंगे, जो गधे हैं वो तो पहले से कम में आने वाले हैं, जो पढ़े हैं टॉपर हैं वो भी थोड़ा श्रिंक करके पीछे आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा कम आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा बढ़ जाता है। तो इसीलिए देखोगे कि जो टफ पेपर आते हैं उनके 20-20 नंबर, 25-25 नंबर, ज्यादा मार्क्स का पेपर है तो 50-50 नंबर बढ़ जाता है, वो इसी वजह से बढ़ जाता है कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है ये बढ़ जाता है। ठीक बात। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहां पे भी एक सवाल आता है कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का एक ही फॉर्मूला है, सब जगह यूज होता है कि क्या वहां पे भी अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं, तो जवाब है कि यहां पे भी दो फॉर्मूले हैं, दो अलग अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लीजिए हम इसको 1 मानते हैं, समेशन ऑफ, इसको स्मॉल एक्स ले लेते हैं, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, जिस शिफ्ट में जितने बच्चे अपीयर हुए हैं वो। एक्स क्या है, एक्स है यहां पे, स्मॉल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स एवरेज। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या है, हर बच्चे का स्कोर, मतलब इंडिविजुअल बच्चे का स्कोर माइनस एवरेज स्कोर, इस तरीके से हर बच्चे का हम निकालेंगे और यहां पे उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई एन करेंगे, मतलब सम करके डिवाइडेड बाई एन करेंगे। आप कहोगे स्क्वायर क्यों कर रहे हो, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए होता, हमको मोड चाहिए होता है, नहीं तो आप सोच के देखो कि ये जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, ये निगेटिव भी आ सकती है ना। अब कोई बच्चा है जो एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो उसका निगेटिव आ जाएगी, हमको निगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने स्क्वायर कर लिया और नीचे क्या किया हमने, एन से डिवाइड कर दिया। ठीक बात। दूसरा तरीका जो होता है, मतलब दूसरा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो ये होता है, इन ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स मीन लिख लो या फिर एवरेज लिख देता हूं इसको, डिवाइडेड बाई एन माइनस वन और इसका स्क्वायर। अब आप कहोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बेसल करेक्शन, बेसल साहब ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि जितना भी बच्चे अवेलेबल है या जितना सैंपल आप ले रहे हो, अगर सभी सैंपल को कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अगर सभी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, मान लीजिए 500,000 बच्चों ने एग्जाम दिया पर अब 500,000 के 500,000 बच्चों को इंक्लूड नहीं कर रहे हो कैलकुलेशन में, मान लीजिए 50,000 को कर रहे हो, 10,000 को कर रहे हो या 1,000 को कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। मतलब अगर आप सैंपल पिक कर रहे हो कुछ बच्चों का, तो आपको जो नंबर है उसमें एन माइनस वन करके डिवाइड कर लेना है, अगर सारे बच्चों का ले रहे हो तो आपको एन कर लेना है। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो मीन की तरफ टेंस कर जाता है, मतलब इसीलिए कहते हैं इसको बेसल करेक्शन, कि थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है, करेक्ट हो जाता है हमारा रिजल्ट और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली जो नॉर्मलाइजेशन होता है उन सभी नॉर्मलाइजेशन में सारे बच्चों का डाटा लिया जाता है, मैं तो जहां तक देख पा रहा हूं जिन जिन एग्जाम्स का मैंने देखा है सारे बच्चों का लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कई सारे जगह पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे GSECL में ये फॉर्मूला यूज करते हैं पर वहां पे भी सारे ही बच्चों का लेते हैं। SSC CGL में यही डिफरेंस है, SSC CGL सारे बच्चों का डाटा कैलकुलेट नहीं करते, वो जो टॉप 10% होते हैं उन्हीं का डाटा कैलकुलेट करते हैं, उनके पास कंस्ट्रेंट भी है, इतने सारे बच्चे अपीयर होते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर होने वाले हों और नंबर ऑफ सीट्स कम हो, तो भाई सबका डाटा कैलकुलेट करके क्या ही कर लोगे। हमको पता ही है भाई कि 10,00,000 अपीयर हुए हैं, सीट है 5,000, तो जो टॉप
10,000 हैं या 50,000 है उनका डाटा कैलकुलेट कर लो, बाकी तो बेकार ही है, बाकी को करके क्या करो, कंपटीशन वाले जो बच्चे उनका कर लो, बाकियों को हटाओ दूर करो, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इससे हमारा जो डाटा होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, मार्क्स में हमारे रैंडमनेस कम होगी। जितना गधेड़ लोगों को आप अपने डाटा में लेके जाओगे उतना ही मार्क्स में रैंडमनेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि गधेड़े लोग जय माता दी लगाए होंगे, जय माता दी लगाए होंगे तो कुछ भी मार्क्स आए होंगे, किसी का तुक्का लग गया, किसी का तुक्का नहीं लगा। तो इस वजह से एसएससी क्या करता है कि ठीक है गधेड़े लोगों को बाहर करो, जो टॉप कंपटीटर हैं उनको अंदर करो और उन्हीं का डाटा कैलकुलेट करो। इसीलिए एसएससी का फॉर्मूला थोड़ा आपको इससे अलग नजर आ रहा होगा। पर क्या ये खराब है? नहीं। अगर आपको सारे बच्चों का डाटा कैलकुलेट करना है, कम बच्चे हैं उनके रिस्पेक्टिव में जो सीट्स हैं वो ठीक ठाक हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एसएससी भी ये वाला फॉर्मूला लगाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, पर वो अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। पर उससे भी कोई नुकसान है नहीं, ऐसा नहीं कि उससे बच्चों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला कोई सा भी लगा लो स्टैंडर्ड डेविएशन का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है मार्क्स में, वो यहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाता है। अब इसको देखिए, अब एग्जांपल जो हमने लिया था वो यहां पे डाल दीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि किसी एक ही शिफ्ट में कब किसी का मार्क्स पॉजिटिव हो जाता है और सेम शिफ्ट में अपीयर हुए किसी बच्चे का मार्क्स निगेटिव हो जाता है। तो यहां पे देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला था और हमने जो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया था उसी के बेसिस पे देखते हैं किसका कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। हमने कैलकुलेट किया था बेस बैच का एवरेज 80 और 75 था एक बैच का 60 था। सबसे पहले बेस बैच का एनालिसिस करते हैं कि बेस बैच पे क्या इफेक्ट होगा। तो नॉर्मलाइजिंग मार्क्स हमको बेस बैच का कैलकुलेट करना है। सपोज करिए कि जिस बच्चे का नॉर्मलाइज मार्क्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उसने 70 मार्क्स स्कोर किए हैं, कौन से शिफ्ट में? उस शिफ्ट में जिसका एवरेज मार्क्स कितना है 80 है। कौन सी शिफ्ट थी? ये थर्ड वाली शिफ्ट थी, तो थर्ड शिफ्ट में उसका 70 मार्क्स आया है। अगर उसका मैं नॉर्मलाइज मार्क्स निकालूं तो कितना होगा भाई? इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 1 हो गया ना, क्योंकि S2 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेस बैच, और बेस बैच की हम बात ही कर रहे हैं तो बेस बैच में कोई चेंजेस होने वाले हैं? जवाब होगा नहीं। ये देखो, ये 80 हो जाएगा एवरेज मार्क्स, प्लस 80 करना है हमको, यहां पे क्या होगा -10, 80 -10 कितना हो जाएगा 70, तो यही आने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी स्कोर किया रहे वो। अब मान लीजिए इसी बैच में है वो एवरेज से ज्यादा स्कोर किया है, 90 मार्क्स स्कोर किया है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा -80 हो जाएगा +80 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, बेस बैच का बच्चा है, ठीक है। बट बेस बैच का बच्चा अगर नहीं रहा, दूसरा बच्चा रहा, आप सपोज कर लीजिए कि हम फर्स्ट शिफ्ट वाले को कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का क्या है, 75 उसका एवरेज है, हम मान लेते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है, उसके कितने हैं? 80 मार्क्स हैं। अब 80 मार्क्स उसने स्कोर किया कौन सी बैच में? जिस बैच का एवरेज है 75, वैल्यू रखिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है ना, हम अपने मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन या जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया है वो 2 आया है, कुछ भी आ सकता है, लेट्स अज्यूम दैट 2 है, ठीक है। या कितना स्कोर किया है उसने? 80 स्कोर किया है। एवरेज मार्क्स क्या है? 75 है, और बेस बैच का एवरेज मार्क्स क्या है? 80 है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। इस बच्चे का भी मार्क्स कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी बैच का बच्चा है, पर सपोज करिए कि एवरेज से कम स्कोर किया हुआ है, मान लीजिए 60 स्कोर किया है, ठीक है, 75 एवरेज था, तो हम 60 लिख देंगे -75। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में तो चेंज नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं कि बच्चा दूसरा आ गया तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज हो जाएगा, नहीं, शिफ्ट जब तक रहेगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। प्लस 80 भी कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि वो बेस का है। अब यहां पे वैल्यू कितनी है? यहां पे वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 30। 80 -30 हो जाएगा, कितना मार्क्स आ जाएगा उसका? 50 मार्क्स आ जाएगा। स्कोर कितना किया था उसने? 60 मार्क्स किया था, पर मार्क्स कितना आया उसका? 50 आ जाएगा। तो मार्क्स अगर आप एवरेज से डाउन जा रहे हो तो तेजी से डाउन जाओगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है तो थोड़ा कम हो रहा है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज्यादा आएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जितना ज्यादा आएगा वैल्यू आपके आपके मार्क्स में वेरिएशन, चाहे वो नेगेटिव में वेरिएशन हो चाहे पॉजिटिव में वेरिएशन हो,
वो वेरिएशन उतना ही ज्यादा जाएगा। अब टफ वाली शिफ्ट ले लेते हैं, मान लीजिए 60 वाले में है, किसी बच्चे ने एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया, उसका 65 मार्क्स आ गया, ठीक है, तो 65 मार्क्स स्कोर किया है उसका, है एवरेज स्कोर कितना है उसका 60 है, प्लस 80 करेंगे, और मान लीजिए टफ बैच है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका 3 है, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 × 3 + 80, वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल इसका, 95 हो जाएगी, 95 हो जाएगी कि नहीं। अब कोई कहेगा यार इसका तो बहुत बढ़ गया, इसने 60 स्कोर किया था, इसका नॉर्मलाइज मार्क्स 95 हो गया, ये तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ। भाई अन्याय कैसे हो रहा है, हर किसी के लिए, अब इसी बैच का दूसरा कोई बच्चा है, दूसरा बच्चा है मान लीजिए उसने 5 नंबर कम स्कोर किया, 5 नंबर कम करेगा यहां पे -5 आ जाएगा, -5 -15 आ जाएगा, उसका 5 नंबर कम था, 55 था, 55 में से 15 नंबर और चले गए उसके, 40 नंबर आ गए। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप अपने एवरेज स्कोर, अपने बैच के, अपने शिफ्ट के एवरेज स्कोर के कितना क्लोज हो, ऊपर रहते हो माशाल्लाह बढ़िया है, ज्यादा स्कोर तेजी से बढ़ेगा, नीचे जाओगे तेजी से नीचे जाओगे। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके कैलकुलेट होते हैं, इसमें किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई इंडिविजुअल पार्शियलिटी नहीं होती है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसको इंडिविजुअली मार्क्स उसका घटा दिया गया, उसका इंडिविजुअली मार्क्स बढ़ा दिया गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, सबके ऊपर अप्लाई होगा, जो स्टैटिक्स हैं वो भी सेम रहेगा आपके बैच के लिए, बस चेंज क्या होगा, आपका ऑप्टेन मार्क्स, यही पूरा डिसाइड करेगा कि आपका मार्क्स बढ़ेगा आपका मार्क्स घटेगा। हाँ, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये, बिल्कुल डिपेंड करता है आपके पूरे बैच पे, पर आपका मार्क्स कितना बढ़ेगा घटेगा, किसी इंडिविजुअल मार्क्स पे कितना फर्क पड़ेगा वो तो यही डिसाइड करता है। अगर ये पॉजिटिव रहा तो तेजी से बढ़ोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहा उतना तेजी से बढ़ोगे, नेगेटिव रहा तो उतना तेजी से घटोगे भी। तो किसी इंडिविजुअल के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब आप कहोगे कि आपने तो सब बढ़िया बढ़िया बता दिया भाई नॉर्मलाइजेशन के बारे में, सब कुछ ठीक है, हमारी ही गलती है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नॉर्मलाइजेशन में तो कोई कमियां नहीं है। तो नहीं, कमियां हैं जो कि एसएससी सीजीएल में देखने को मिला था। अब कमियां क्या है, एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई होनहार बच्चा है और वो 100 में 100 नंबर ले आता है, 100 में 100 पूरे नंबर आ गए उसके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ क्या होता है कि जो इसकी शिफ्ट है वही सबसे आसान है, मतलब उसी शिफ्ट का एवरेज ज्यादा है, उसी को हमने बेस शिफ्ट मान लिया। अब हुआ क्या कि बाकी जो शिफ्ट हैं अगर वो टफ हैं, बाकी बच्चों के नंबर धड़ाधड़ बढ़ गए, वो बहुत आगे निकल गए, ठीक है, और इस बच्चे का सिलेक्शन रह गया, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहां पे पार्शियलिटी की गुंजाइश बस इतना बचती है कि ये बच्चा इतना होनहार था कि अगर इसको टफ शिफ्ट वाला पेपर देते तो भी ये 100 में 100 ले आता। हम अज्यूम कर रहे हैं अभी कि ये बच्चा इतना होनहार है कि ये टफ वाले शिफ्ट में भी 100 में 100 नंबर ले आता, ये इतना पढ़ रखा है। अब इसकी गलती क्या है कि इसको आपने आसान वाले शिफ्ट में बैठाया और वहां पे भी ये 100 में 100 नंबर ले आया, और तो कुछ बचा नहीं था, ये 2 घंटे का पेपर था, ये 1 घंटे में करके बैठ गया, 1 घंटे ऐसे ही बैठा रहा, अगर इसको टफ में डालते तो भी ये 100 में 100 ले आता, तब इसका सिलेक्शन श्योर शॉट होता। पर चूंकि ये ऐसे शिफ्ट में बैठ गया जहां पे इसका मार्क्स उतना मल्टीप्लाई नहीं हो पाया जितना बाकी शिफ्ट में हो रहा है, क्योंकि वो पेपर टफ थे और ये अपना टाइम पूरा टाइम और नॉलेज यूटिलाइज नहीं कर पाया आसान शिफ्ट होने के वजह से, तो इसका तो नुकसान हो गया। तो ये थोड़ा पार्शियलिटी का डर रहता है। अच्छा, एक मैं और आपको टिप्स देने वाला था कि भाई एग्जाम फॉर्म जब हम भरते हैं और जब हमारा एग्जाम होता है तो उन दोनों के नॉर्मलाइजेशन से क्या कोई रिलेशन है, तो इसका कोई मेरे पास स्टैटिक्स नहीं है, ये पूरा मेरा इमेजिनेशन है, आप इस पे भरोसा कर सकते हो ना भी कर सकते हो, मैंने पहले ही कहा मेरे हिसाब से होता है थोड़ा बहुत। अब क्या होता है, जब भी कोई एग्जाम अनाउंस होता है और जो भी सेंसियर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट फॉर्म भरते हैं। मतलब होता है ना यार कि जो सेंसियर बच्चे उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन रात उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम
का फॉर्म आया, वो एकदम इंतजार ही कर रहे थे, फटाफट सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया। एक महीने का गैप है पर वो इंतजार नहीं करेंगे, एक दो दिन में फॉर्म भर के सब कुछ करके निपटा दिया। मैक्सिमम सेंसियर बच्चे एक दो दिन में अपना फॉर्म भर देते हैं, उसी के हिसाब से आपका वो भी जनरेट होता है। क्या बोलते हैं, इनरोलमेंट नंबर कह लीजिए, सीरियल नंबर कह लीजिए, अप्लीकेशन फॉर्म नंबर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो जिस हिसाब से आप भरते हो उसी हिसाब से कुछ मान लीजिए एक नंबर ले लिया जाता है और उसी में कुछ एडिशन होता रहता है। तो मतलब उसी सिक्वेंस के हिसाब से आपका अप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है और उसी अप्लीकेशन नंबर से जो आपकी एग्जाम आईडी होती है वो बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली हो सकता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट होगी हमारी या सेकेंड शिफ्ट होगी, बहुत ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो मान लीजिए 10 शिफ्ट है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि जो फर्स्ट की एक दो या तीन शिफ्ट होंगी उनमें थोड़े होनहार बच्चे चले जाएं एज कंपेरिजन टू प्रीवियस शिफ्ट। वो मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं जिसका कोई स्टैटिक्स नहीं है, क्योंकि हम जनरली ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा देखते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंतजार करते हैं कब अप्लीकेशन फॉर्म आए, भरभूर को खत्म करो, चलो पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, अब उसी के हिसाब से अप्लीकेशन नंबर आया, सारे टैलेंटेड बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं, अब वो पेपर टफ भी आ रहा है तो भी एवरेज मार्क्स ऊपर जा रहा है, तो फाइनली जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कम आ रहा है, लोगों का जो मार्क्स अपग्रेड होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, और उधर पीछे वाले बैच में सारे गधेड़े पड़े हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे गधेड़े पड़े होते, पर आप देखते हो ना जो लोग मतलब नहीं रखते ज्यादा एग्जाम से, अच्छा यार एग्जाम फॉर्म आ गया है क्या, चलो ठीक है यार हम भी भर देंगे, वैसे पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो रही है, भर देंगे। फिर किसी को कोई धक्का मार के भरवा रहा है कि अबे साले एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, दो दिन डेट बची, भर दे, वो भी भर दिया। अब उसका लास्ट में नंबर आया, लास्ट शिफ्ट में वो एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे पेपर आसान भी आए तो भी एवरेज मार्क्स कम आ रहे हो, बात की पॉसिबिलिटी है। अब आप कहोगे कि इसको कॉप अप नहीं किया जाता है क्या, क्या सेम सिक्वेंस में ही एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है? तो जवाब है नहीं, इसको भी रैंडमनाइज किया जाता है। ऐसा नहीं कि जिस सीक्वेंस में एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसी सीक्वेंस में आपकी जो एडमिट कार्ड पे जो आपका इनरोलमेंट नंबर आता है या सीट नंबर आता है वो इसी सीक्वेंस में आ जाता है। इस चीज को कम करने के लिए, इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम वो रैंडमनाइज करते हैं। पर यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई सारे एग्जाम्स मैंने देखे हैं जहां पे ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रैंडम तरीके से इनरोलमेंट नंबर या फिर सीट नंबर जनरेट करो, उसी सीक्वेंस में ही जनरेट कर देते हैं, तब ये इफेक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है। बहुत ज्यादा रहेगा इसका इफेक्ट ये तो हम नहीं कह सकते, ना ही हमारे पास इसका कोई स्टैटिक्स है, ना ही इसका कोई कैलकुलेशन है। ये चीज मैं बस आपको ह्यूमन बिहेवियर पे बता रहा हूं कि ऐसा होता है जनरली, एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने देखा है कंटिन्यूअसली एग्जाम में इन्वॉल्व रहने की वजह से, जो मैंने देखा है कि हो सकता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी रहे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा डिले एग्जाम फॉर्म भरना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा दो चार पांच दिन या दस दिन निकलने के बाद भरिए, इतना लेट भी मत करिए कि जो सर्वर है वही क्रैश हो जाए और आप एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हो, इतना लेट नहीं करना है, पर थोड़ा डिले भरोगे तो चलेगा। इसका मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिल जाएगा, मे भी मिल जाएगा, श्योरिटी से तो नहीं कह सकते। तो ये रही पूरी आपकी नॉर्मलाइजेशन की स्टोरी, होप्स हो कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो जैसे मैंने कहा कमेंट बॉक्स में पर्सनल मैसेज कहीं पे भी आप लिख सकते हो, उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।